हाँ तो क्या हाल चाल आप लोगों के, सब बढ़िया। वेलकम टू लाइट गेमर 2.0 यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं खेलने वाला हूँ वापिस एक और बार माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट के अंदर मैं आया हूँ इस छोटे से आइलैंड के ऊपर। मतलब इसको आप आइलैंड नहीं कह सकते, क्योंकि भाई एक ट्री के अलावा और कुछ डर्ट के अलावा यहाँ पर और क्या ही है। तो बस यही है हमारे लिए। तो इस वाले वीडियो के अंदर ना मेरे ना कुछ गोल्स होने वाले हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला गोल ये होगा कि मेरे को ना एक बढ़िया सा हाउस बिल्ड करना है। जी हाँ, स्टार्टिंग में हम हाउस बिल्ड करेंगे और फिर एक तगड़ा सा डायमंड का आर्मर बनाएंगे, वो भी इंचेंटेड। और उसके बाद हम मारने जाएंगे एंडर ड्रैगन को। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अपने डे वन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ घास फूस है, एक पेड़ है और कुछ डर्ट है। ओके, तो देखता हूँ कि हमें सीड मिलते हैं कि नहीं। ओके भाई नहीं मिला। अरे भाई एक तो मिल जा। ओके तो एक मिला है सीड। तो फटाक से अब इस पेड़ को कट कर लेते हैं। ओके तो अभी कुछ टूल्स बना लेता हूँ। ओके ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल, ये कुछ स्टिक। तो सबसे पहले बनाऊंगा मैं एक शवल। शवल बनाने के बाद एक बनाऊंगा पिकैक्स। तो शवल मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मैंने नीचे काफ़ी सारे डर्ट देखी है। तो फटाक से अब इनको कलेक्ट करते हैं। तो ट्री चॉप करके मेरे को कुछ सैम्पलिंग मिली है, तो अभी इन्हें फटाक से प्लांट करते हैं। ओके दो ही मिली है वैसे। अरे यार मैंने एक एक्स्ट्रा पिकेक्स बना ली गलती से, मेरे को डोरो बनाने थे यार। कोई बात नहीं, तो अभी चलते हैं माइनिंग करने के लिए। लेट्स गो। एक एप्पल मिल जाएगा ना तो यार बहुत ही बढ़िया काम हो जाए। कोई बात नहीं, चलो माइनिंग कर लेते हैं वैसे। तो यहाँ पर अब मैं माइनिंग करने वाला हूँ। अरे भाई ड्राउन आ गया वहाँ से। तो एक सेकेंड। ओके दूसरा भी आ रहा है भाई, उसके पास ट्राइडन है भाई, वो तो दूर से ही अपने को ख़त्म कर देगा भाई साहब। भाई ढाई हार्ड बचे हैं अपने। ओके तीन हो चुके हैं भाई, तीन ही हार्ड बचे हैं अपने भाई। फटाक से इधर से भागो। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ओ अरे भाई सामने का छोटा सा आइलैंड दिख रहा है मेरे को भाई, उधर चलो, उधर चलो जल्दी जल्दी। अरे भाई साहब मरते मरते बचा मैं अभी, स्टार्टिंग में ही हमारा खेल खत्म हो जाता अब तो। ओके शायद से मैं बच गया हूँ। इधर से माइनिंग करना शायद से थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा अपना। और यहाँ पर भाई काफ़ी सारे डर्ट भी है, तो डर्ट कलेक्ट करते हैं और सीधा चलते हैं कोबलस्टोन माइनिंग करने के लिए। ओके तो मैंने काफ़ी सारे कोबलस्टोन माइन कर लिए हैं, तो अभी थोड़ी बहुत फिशिंग करते हैं और वापस चलते हैं अपने बेस पर। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर से मार देना। तो बनाते हैं अब कोबलस्टोन के कुछ और टूल्स जो कि मैंने बना लिए हैं। और हाँ एक और ज़रूरी बात कहना चाहता था आप लोगों से, आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं, उसके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का। तो बस ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो इस वर्ल्ड के अंदर अभी अपनी पहली नाइट आ गई है, तो शायद से ये नाइट अपनी अच्छी साबित हो। तो अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सूरज भी आ जाएगा तब हम माइनिंग करने के लिए जाएंगे। ओके तो सूरज चाचू ने अपने को दर्शन दे दिए हैं, तो अभी सोच रहा हूँ कि माइनिंग करने के लिए चला जाऊँ। लेकिन भाई नीचे देखो मेरी हार्ट और हंगर बार कम हो रहा है,
तो इसका पहले जुगाड़ करना पड़ेगा और उसके बाद हम माइनिंग कर लेंगे। तो सोच रहा हूँ कि अभी समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियाँ मार ले आता हूँ। ओके, और भाई मेरे को बहुत सारे डर्ट भी चाहिए, क्योंकि यार एक हाउस बिल्ड करने में मैं नीचे ना कोई भी वुड लॉक तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली डर्ट लगाऊँगा। ओके, अब फिशिंग कर लेते हैं। वैसे भी फिशिंग रॉड तो नहीं है। तो फिश को मारने के बाद मेरे को यहाँ पर बहुत सारा बोन मिला है और उनसे बना लिया है मैंने यहाँ पर बहुत सारा बोन मिल। तो अभी अपनी क्रॉप जल्दी से ग्रो करते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई भी करते हैं। ओके, 3 सीड मिले हैं भाई, तो अभी इन्हें प्लांट करते हैं। तो अभी एक पेड़ को ग्रो करते हैं और उसे काट लेते हैं। अरे भाई, बिना बोन मिलके यहाँ पर एक पेड़ उग गया है, तो अभी इसे फटाक से अब कट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैंने अपनी सारी फिशेस स्मेल्टिंग करने के लिए यानी कि पकने के लिए छोड़ दी। ओके, तो मैं अभी आ चुका हूँ आयरन की माइनिंग करने के लिए। ओके, तो कोल भी मिल गया भाई। चलो, स्मेल्टिंग करने के लिए तो भाई कोल ही अच्छा साबित होता है। ओके, तो अपना खाना पीना तो थोड़ा बहुत खत्म हो गया था, तो इसलिए मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ। वापस मैं नीचे भी जाऊंगा, तो चलते हैं। तो इस बार तो मैं काफ़ी सारे आयरन ले जाने के लिए ही आया हूँ, तो अभी फटाक से माइनिंग पर पूरा फोकस करते हैं और ले जाते हैं बहुत सारा आयरन। ओके, तो काफ़ी देर से वैसे तो मैं माइनिंग कर रहा हूँ और अपने पास बहुत सारा यहाँ पर आयरन भी आ चुका है, तो अभी फटाक से चलते हैं अपने बेस पर और बना लेते हैं एक बढ़िया सा आयरन का आर्मर। ओके, तो अभी अपना सामान चेस्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपने आयरन के आर्मर के अंदर कवर होने वाला हूँ, जो कि हो चुका। तो अब मैं थोड़ा बहुत तो पावरफुल हो चुका हूँ, एक सस्ता सा आयरन मैन भी बन चुका हूँ। तो अब मैं आ गया हूँ मॉब ग्राइंडर फार्म बनाने के लिए, जिसे अपने को ढेर सारे रिसोर्सेस मिलेंगे और मिलेंगे ज़ॉम्बी विलेजर, जिनको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल विलेजर में। तो फटाक से अब काम पर लग जाते हैं। पता नहीं ये इतने कोबलस्टोन इनफ होंगे कि नहीं, वैसे भी काफ़ी बार मैं ये बना चुका हूँ, लेकिन बनाते वक्त यार काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि ऊपर यार ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं। तो अपना यहाँ पर मॉब ग्राइंडर फार्म तो बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छा काम भी कर रहा है। ओके, तो अभी चलते हैं वापस अपने बेस पर, लेकिन अब मैं बनाऊंगा अपने लिए एक बढ़िया सा हाउस। जी हाँ, वैसे तो मैं एक नॉर्मल बट बहुत ही अच्छा और रहने के लिए एक बढ़िया सा हाउस बिल्ड करने वाला हूँ, लेकिन लगता है आप लोगों को बिल्डिंग करते वक्त देखने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप लोग मेरे ना वीडियो काफ़ी स्किप करते हो। तो इसलिए मैं डायरेक्टली हाउस का सिनेमैटिक दिखाऊंगा, बिल्ड करते समय नहीं दिखा सकूंगा, क्योंकि भाई स्किप करोगे तो भाई मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना भाई। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा अपना हाउस, तो लग जाते हैं काम पर। 1, 2, and 3।
कैसा लगा ये मेरा छोटा सा हाउस? तो 10 में से इसको कितनी रेटिंग दोगे ये मेरे को कमेंट में नीचे बता देना। और वैसे भी इस हाउस को बनाने में मेरे को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैंने तो यार इससे भी बड़े बड़े हाउस बिल्ड करे हैं, तो ये तो भाई एक बच्चा सा ही है मेरे आगे तो। और वहाँ पर आप लोग जो काऊ देख रहे हो ना, वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पॉन हो गई थी। वैसे तो एक हुई थी और उसके बाद दूसरी भी हो गई, जिससे मैंने इतनी करी है, बाकी तुम्हें तो पता ही कि कैसे करी होगी। और अंदर से भी आप लोगों को वैसे दिखा देता हूँ। ओके, तो अंदर आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पर दो दो आयरन के आर्मर रखे हुए हैं, और यहाँ पर बेड जिसको मैंने बनाया है अपने मॉब ग्राइंडर फार्म की मदद से। वैसे भी मेरे पास बहुत कम ही चीज़ें थी, जितनी चीज़ें थी उन्हीं चीज़ों से मैंने ये अपना हाउस बिल्ड करा है, तो शायद से मैंने इसको अच्छा ही बनाया होगा। तो इसलिए भाई रेटिंग दे देना, ताकि मेरे को पता चले कि मैं अच्छा बिल्डर हूँ कि नहीं। और ऊपर मैंने एक बढ़िया सा वो भी बना रखा है झूमर, और यहाँ पर वैसे मैं अपना इंचैंटमेंट वाला सेटअप लगाऊंगा, और नीचे अपना बेडरूम है, और यहाँ पर बड़ी सी सीढ़ी, उस तरफ अपना एनिमल फार्म, और ये रहा अपना बेडरूम। और अपना स्टोरेज वाला सिस्टम मैंने पीछे लगा रखा है, तो उसे मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, मतलब दिखा दूंगा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने को डायमंड लेने के लिए, मेरे को अपने आप को फुली डायमंड में भी कवर करना है। तो अरे एक सेकेंड, अरे भाई ये तो नेदर पोर्टल वाले ब्लॉक है ना, शायद से यहाँ पर नेदर पोर्टल है भाई। तो नेदर पोर्टल के अंदर से अपने को मिल सकते हैं ऑक्सीडियन, तो उम्मीद करता हूँ कि हमें यहाँ पर एक नेदर पोर्टल जल्दी से जल्दी मिले, और उसके अंदर हो बहुत सारे ऑक्सीडियन। ओके, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, पता नहीं यार वो ऊपर है कि नीचे है, दाएं है बाएं है, किधर है भाई पता नहीं। अरे हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ओके, तो शायद से यहाँ से ऊपर, जी हाँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्या आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है? अगर हाँ तो भाई थैंक यू आप लोगों का, अगर नहीं करा है तो भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नीचे जो ब्लैक कलर में सब्सक्राइब वाला बटन उसे दबाना है, और उसके बाद आप लोगों को वापस से उसके ऊपर ही क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा उसे दबाना है। तो ऐसा करके आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, और नोटिफिकेशन ऑन करते ही आप लोगों को मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो कर देना सब्सक्राइब, ठीक है। ये रहा भाई, भाई देखो यार मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर नेदर पोर्टल, पता है भाई मैंने खुले में तो बहुत बार देखे हैं, लेकिन भाई एक छोटी सी केव के अंदर पहली बार में एक नेदर पोर्टल को देख रहा हूँ भाई। ओके, तो यहाँ पर है एक चेस्ट जिसको ओपन करके देख लेते हैं कि उसके अंदर अपने को ऑक्सीडियन मिलते हैं कि नहीं। भाई वैसे तो अच्छी खासी जगह पर ये स्पॉन हो रखा है भाई। ओके, अरे इसको हटाओ, तो अब देखते हैं। ओके, दो ऑक्सीडियन है भाई इसके अंदर, भाई ये तो बढ़िया है। तो भी चलते हैं माइनिंग करने के लिए, वो भी डायमंड की। लेकिन भाई यार कितनी बार मैंने भाई भाई बोला है, ये काउंट करके मेरे को प्लीज़ कमेंट में नीचे पता देना भाई। ये देखो अभी भी बोला मैंने भाई। तो भी कर लेते हैं माइनिंग, और यहाँ पर मेरे को एक छोटी मोटी सी केव मिली है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अपने को मिले ढेर सारे डायमंड। तो माइनिंग करना शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करूँ वैसे। ओके, अरे भाई यहाँ पर ये देखो भाई, अपना पहला डायमंड, अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड मेरे को मिला है। यो ये देखो भाई अपना पहला डायमंड। ओके, अरे भाई साहब वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ पर कोई तो मतलब, अरे ज़ॉम्बी स्पॉनर है यहाँ पर, ज़ॉम्बी स्पॉनर भाई। इस चेस्ट के अंदर देखते हैं लूट क्या है। ओके, दो दो चेस्ट है वैसे इसके अंदर, तो टॉर्चेस मैंने लगा दी हैं, तो अब शायद से ये स्पॉन नहीं होंगे। तो पहले चेस्ट के अंदर भाई,
ये क्या घटिया सामान रखा हुआ है इसके अंदर, डीजे वाली सीढ़ी भी है। अब क्या डीजे बजाऊं इस सीढ़ी से, जाने दो। तो अभी देख लेते हैं कि दूसरी चेस्ट के अंदर क्या है। अरे यार ये क्या कूड़ा रखा है इसके अंदर, यार नेम प्लेट वगैरह मिलती ना तो भाई मज़ा ही आ जाता। लेकिन भाई सैडल है इसके अंदर, ये बढ़िया चीज़ है वैसे। ओके तो माइनिंग करते हैं, 1, 2 एंड 3। फोर्टी वन डायमंड के साथ मैं वापस अपने बेस के ऊपर आ चुका हूँ और अभी बना लिया है मैंने एक बढ़िया सा डायमंड का आर्मर। तो अब इसे फटाक से पहन लेता हूँ और कवर हो जाता हूँ फुली डायमंड के आर्मर के अंदर कवर। भाई साहब ये सब करने में ना भाई हालत ही पतली हो जाती है, माइनिंग करना कोई आसान बात थोड़ी है। ओके तो यहाँ पर मैं अभी बना रहा हूँ अपने लिए डायमंड के टूल्स। तो भाई अब सुनो, अब आगे की प्लानिंग सुनो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे अब नेदर में, और नेदर में जाकर ढेर सारे प्लेस रॉड इकट्ठा करेंगे और साथ साथ तो एंडर पर्ल्स भी इकट्ठा कर लेंगे। और उसके बाद जाएंगे एंड वर्ल्ड में अपने एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। जी हाँ तो ये काम अब मैं करना शुरू कर देता हूँ। तो ऑब्सिडियन इकट्ठा करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपने वापस उसी रूइंग पोर्टल के पास। ओके तो नेदर में अपनी एंट्री यहाँ पर सोल सैंड वाली बायोम के अंदर हो चुकी है। और भाई इन स्केलेटन ने ना अपनी हालत भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी है भाई, एरो मार मार के यार कितने हार्ड रखे हैं मेरे उन्होंने। मैंने उनकी लड़ाई भी करने की कोशिश करी थी लेकिन भाई मैं तो गंदा पिटा उनके हाथों से। तो अभी फटाक से एक नेदर पोर्ट्रेस ढूंढते हैं और अरे भाई आराम से ब्रो आराम से। ओके तो यहाँ पर मिली है अपने को एक बढ़िया सी नेदर फोर्ट्रेस। तो अभी कुछ बना लेते हैं शील्ड और वापस काम पर लग जाते हैं। वैसे भी मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी है अपने पिगलिंस भाइयों के साथ। जी हाँ तो बस थोड़ी बहुत यहाँ पर ब्लेस रॉड इकट्ठा करते हैं और चलेंगे एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। ओके तो अभी इसको ख़त्म करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। तो प्लीज़ यार लाइक मार दो यार, अभी के अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक ठोक दो मतलब दबा दो, ठीक है। अरे भाई साहब 3-3 डायमंड मिल गए इस चेस्ट के अंदर से। तो लेट्स गो धोने के लिए चलते हैं ब्लेस रॉड को। ओके तो वापस आ चुका हूँ अपने बेस के ऊपर और अभी बना लेते हैं आई ऑफ एंडर और उन्हें थ्रो कर लोकेशन देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर जा रहा है। ओके ये मैंने करी पहली थ्रो, अरे ये तो अपने घर की तरफ जा रहा है यानी कि पीछे की साइड पे जा रहा है। तो अब चलते हैं। ओके तो मैं आ चुका हूँ अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर और अरे भाई ये देखो भाई भाई माइनशाफ्ट वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर। अरे भाई साहब ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर माइनशाफ्ट, ये कब से होने लगा, या फिर ये माइनक्राफ्ट का कोई ग्लिच है, पता नहीं यार ये क्या है। शायद इसके अंदर बहुत सारी लूट भी होगी तो एक बार यहाँ पर फेरी डाल के भी देख लेते हैं। भाई साहब पहली बार ही देख रहा हूँ वैसे मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर माइनशाफ्ट। ओके पता नहीं यार ये एंड पोर्टल, अच्छा ये रहा, बोल ये रहा था कि किधर है। ओके तो इसको अभी एक्टिवेट कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अभी इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इंचैनमेंट तो कोई भी नहीं लगी है। तो छोटी मोटी इंचैनमेंट लगा लेंगे और उसके बाद जाएंगे एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। तो उसके लिए मेरे को चाहिए 2-3 नहीं 4 ऑब्सिडियन।
ओके, तो मैंने ऑब्सीडियन इकट्ठा कर लिए हैं और साथ ही साथ एक बेड भी बना लिया है ताकि मैं एंड ड्रैगन को धोने के बाद यहीं पर स्पॉन हो जाऊं और फिर अपने बाकी के काम भी कर लूं। तो अभी एक चेस्ट बना लेते हैं और उसके अंदर रखते हैं अपना फालतू का सामान और कलेक्ट करते हैं ढेर सारे बुकशेल्स। ओके, तो ये रही यहाँ पर लाइब्रेरी। तो अभी बना लेते हैं एन्चेंटमेंट टेबल और बहुत सारी यहाँ पर बुकशेल्स। तो अपने एन्चेंटमेंट वाले टेबल को तो मैंने यहाँ पर सेटअप कर लिया है, तो अभी देख लेते हैं कि अपनी सॉर्ड के ऊपर भाई स्मिट 4 कोई मिल रही है एन्चेंटमेंट, पता नहीं वो कौन सी एन्चेंटमेंट है। ओके, वैसे तो अपनी एक्स के ऊपर वैसे कौन सी मिल रही है मैंने ठीक से देखा नहीं था। अपनी चेस्ट प्लेट के ऊपर भाई प्रोटेक्शन 3 मिल रही है तो उठा लेते हैं। ओके, अनब्रेकिंग 3 भी मिल गई, तो अभी देख लेते हैं अपनी सॉर्ड के ऊपर अनब्रेकिंग। यार शार्पनेस चाहिए थी मेरे को, तो इसके ऊपर भाई शार्पनेस भाई 4 मिली है भाई, ये तो बढ़िया है। अब इसके ऊपर भाई क्या ही गंदी सी एन्चेंटमेंट है, तो कोई बात नहीं। ओके, तो भी और छोटी मोटी एन्चेंटमेंट लगा देते हैं भाई। प्रोटेक्शन 4 मिल रही है लेकिन इनके ऊपर भाई ये क्या था। तो अभी बस इंजॉय करो मेरी और एंडर ड्रैगन की तगड़ी सी फाइट, लेट्स गो। अब तो यार बोरिंग हो रहा है यार इसको मारते मारते, लेकिन भाई मजा भी आता है कभी कभार। ओके, तो मैंने इस बार भी यार एंडर ड्रैगन को काफी आसानी से डिफीट कर दिया है। तो अभी एक्सपी कलेक्ट करते हैं और वापस चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं ना, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इलाइट्रा लेने के लिए क्यों नहीं जा रहा, तो इसका रीज़न ये है कि भाई अगली वीडियो में जाऊंगा ना, तो सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर करूंगा, तो भाई अगली वीडियो में क्या करूंगा, तो अगली वीडियो के लिए मैंने ये काम छोड़ दिया है। तो अभी इसका एक भी कलेक्ट करते हैं और चलते हैं अपने ओवर वर्ल्ड में। अरे अरे भाई दो भाई, आराम से आना आराम से। ओके, एक तो डर गया, अब ये डरा नहीं तो भाई अब मेरे हाथों से मरेगा। आ जा, खत्म। ओके, तो अभी कलेक्ट करते हैं एंडर ड्रैगन का एक। ओके, तो बस ये यहां पर लगाना है और ये तोड़ देना है और फिर ये अपना। तो अभी चलते हैं अपने वर्ल्ड के अंदर, लेट्स गो। तो वापिस एक और बार हमने माइनक्राफ्ट को डिफीट कर दिया है। तो क्या नाचो मैं? तो अभी एन्चेंटमेंट वाला काम करते हैं। तो अपने आर्मर और टूल्स के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी एन्चेंटमेंट मेरे को मिल गई है। ओके, तो मैं अभी वापस अपने बेस के ऊपर आ चुका हूँ, तो अभी फटाक से जाकर सो जाते हैं, रात हो रही है इसलिए यार।
ओके तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही था। वैसे भी पिछली वाली वीडियो के अंदर मेरे ना एक भाई ने कमेंट करा था, मतलब एक टिप दी थी मेरे को कि तुम ना अपना इंट्रो थोड़ा सा फास्ट बोला करो। तो भाई अब से मैं कोशिश करूँगा वही करने की, इंट्रो को थोड़ा सा छोटा सा बनाने की और ज़्यादा फास्ट बोलने की। तो थैंक यू यार टिप देने के लिए। ऐसे ही मेरे को यार टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करो भाई, यार कमेंट करा करो यार। तुम कमेंट करते हो तो भाई बहुत मज़ा आता है मेरे को पढ़ते समय। और हाँ, एक और बार आप लोगों का थैंक यू मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए। वैसे भी काफ़ी दिनों से कह रहा था, लेकिन अब जाकर आप लोगों ने मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। वैसे भी मेरे पिछली वाली वीडियो के अंदर भाई काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले हैं मेरे को। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वैसे भी हमारे इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है, जैसे कि ट्रेडिंग हॉल बनाना, बीकन बनाना और वगैरह वगैरह। भाई बहुत सारे काम अभी भी बाकी है, लेकिन वो सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इसके पार्ट 2 के। तो वो वाला वीडियो देखने के लिए तो भाई अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो मिलेंगे ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।